हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसन 21। आई होप आप और आपकी फैमिली बेहतर होगी। सो फ्रेंड, आज हम आपके लिए लाए हैं एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन। चलिए इसके बारे में जानते हैं क्या है। तो ये नोटिफिकेशन है सीएम स्कॉलरशिप। मुख्यमंत्री कोष से मिल रहे स्कॉलरशिप विद्यार्थियों को 50,000 की स्कॉलरशिप दिए जाने की प्रक्रिया। तो चलिए इस प्रक्रिया के बारे में जानते हैं किस तरीके से मिलेगी 50,000 स्कॉलरशिप। तो फ्रेंड, ये जो स्कॉलरशिप है वो 12th पास वालों के लिए, 12वीं जिन्होंने पास किया है उनको ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए इसके बारे में हम डिटेल जानते हैं क्या है। तो ये स्कॉलरशिप जो प्रक्रिया है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है, ठीक है फ्रेंड। ये ऑनलाइन भी है, ठीक है। तो आप जो है कि इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और चलिए आवेदन कैसे करेंगे ये भी हम आपको पूरा डिटेल इसमें बताने वाले हैं। तो आवेदन करने के लिए आपको अपने जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे लेके जाना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, मार्कशीट और सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट है ये सब वगैरह, और जो है कि इनकम सर्टिफिकेट, ये सब आप जरूर लेकर जाइएगा। करंट का फ़ोटो लेकर जाइएगा। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान लें क्या है स्कॉलरशिप के बारे में। तो पहले भी आपको हमने बताया है कि ये जो है कि स्कॉलरशिप सीएम स्कॉलरशिप योजना है, उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा ये दिए जाएगी 12th पास वालों के लिए। 50,000 इसकी जो है कि इनकम है, और ये जो है कि ये ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों मोड में इस फॉर्म को भरा जाएगा। और योजना जो है सरकारी है, आप ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम आपको ये बता दें कि ये जो आवेदन है, आवेदन की तिथि है अभी तक शो नहीं हुई है फ्रेंड, ठीक है। तो ये डेट आने वाली है, अभी इसकी नोटिस बहुत ही जल्द आने वाली है क्योंकि 12th का रिज़ल्ट आ चुका है और इधर अगस्त में ही इसकी डेट आने वाली है। और जब इसकी डेट आएगी तो लास्ट डेट और जो है कि फॉर्म जमा करने की तिथि, ये सब आपको हम अपने वीडियो के ज़रिए बताते रहेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।